कोरोना के 7 पेशेंट हैं पॉजिटिव ज़िले में, और पिछले 2 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। कुल हमने 513 सैंपल भेजे हैं, जिसमें से 7 लोगों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं, और उसमें से 1 सैंपल पोस्ट डेथ कलेक्ट किया गया था। उस जिला के कुल 8 सैंपल पॉजिटिव हैं और 7 व्यक्ति पॉजिटिव हैं। इन सभी लोगों का इलाज कोविड हॉस्पिटल में चल रहा है। 6 लोगों का इलाज सिद्धि विनायक में चल रहा है और 1 महिला का इलाज अरविंदो में चल रहा है। सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है और किसी को कोई अभी तकलीफ नहीं है। जो अरविंदो में लेडी हैं, उनकी तबीयत कल थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन आज वो भी ठीक है। और सिद्धि विनायक में जितने लोग हैं, उन सबकी तबीयत अच्छी है। ज़िले में जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, उनके होम क्वारंटाइन पर नज़र रखने के लिए स्थानीय संस्थाओं को और प्रभारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उनके घर के ऊपर गृह भेंट न दे वाले पोस्टर चिपकाए गए हैं और उनसे एक शपथ पत्र भी लिया जा रहा है, ताकि वो होम क्वारंटाइन की अवधि में जिस तरीके से होम क्वारंटाइन रहना हो, जो उन्हें मास्क पहनना हो, जो घर के भीतर रहना हो, इन चीज़ों का शर्तों का वो सख्ती से पालन करें। सभी लोगों से ये अपील की जा रही है कि ये जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं, चाहे मास्क पहनने की या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की या होम क्वारंटाइन के अवधि में एक पर्टिकुलर तरीके से व्यवहार करने के लिए, ये आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए और हमारी समाज की भलाई के लिए है। तो हम पूरी तरीके से इसका पालन करें, और अगर हम इसका पूरी तरीके से पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम पूरे ज़िले को इस कोरोना के संकट से बाहर निकाल लेंगे। पूरा प्रशासन, सारे जनप्रतिनिधि, सभी NGO, सारे मीडिया के साथ ही इस पूरे मिशन में एक साथ लगे हुए हैं, और हमें विभिन्न स्रोतों से सभी तरह की जानकारियां लगातार प्राप्त होती हैं। जहां पर कोई होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करता है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, या जहाँ कहीं भी मास्क नहीं लगाए जाते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि उन सारे पॉइंट्स को जो हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पता चलता है, उस पर तत्काल कार्रवाई करें और एक ऐसा वातावरण पूरे ज़िले में रखें जिससे कि हम कोरोना के इस दौर से ज़िले को पूरी तरीके से काट दें। अभी बोलिया और भैसोदा मंडी में 2 केसेस मिले थे, और वहाँ के कंटेनमेंट जोन में भी हर तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। ज़िले में जो कंटेनमेंट जोन मिले हैं, उसके भीतर पूरी सप्लाई की व्यवस्था कंप्लीट की जा रही है। लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होती रहे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों से ये जानकारी मिल रही थी कि वहाँ पे कई छोटे किराना जो व्यापारी हैं, उनके पास सामान समाप्त हो गया है, तो इसकी एक व्यवस्था दी गई है कि आज रात को 9 बजे वहाँ से जो भी किराना व्यवसायी अकेले या समूह में गाड़ियों के उसको ले कर यहाँ आना चाहते हैं, तो वो अपने संबंधित थाने में गाड़ी का नंबर और व्यक्ति का नाम नोट कराते हुए मंदसौर आ सकते हैं, और यहाँ जिस भी थोक व्यवसायी से वो सामान लेते हैं, उनसे थोक व्यवसायी से सामान ले सकते हैं। और हम लोगों की ये कोशिश होगी कि जब तक ये पूरा काम उनका पूरा नहीं हो जाए और सभी गाड़ियाँ चली नहीं जाए, तब तक ये व्यवस्था बनी रहेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति के कोई संकट ना हो। और वहाँ हर जगह हमने स्थानीय स्तर पर ये कोशिश की है कि डोर टू डोर सप्लाई का नेटवर्क शुरू हो, और अगर बस्तियों में सामान दुकानों पे रहेगा तो उसकी आपूर्ति बनाए जाना संभव होगा। तो इस व्यवस्था में हमने थोक व्यापारी और जो शहर के जनप्रतिनिधि हैं, उन सब के माध्यम से लोगों को खबरें भी कराई है, और पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से भी उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था करके ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। शहर में सुबह दूध की व्यवस्था और जो दवाइयों की व्यवस्था दी गई है, जिसमें कि दुकानें रोस्टर से खुल रही है, उसका अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। नगर पालिका के माध्यम से किराने की व्यवस्था बनाने की एक व्यवस्था दी गई है, और फल और सब्जी को भी घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जा रही है, जो मुझे लगता है कि कल तक वो शेप में आ जाएगा। और इसके अलावा भी जो लोग डोर टू डोर सप्लाई करना चाहते हैं, उनको डोर टू डोर सप्लाई करने की अनुमति है,
और वो चाहे तो अपने डोर टू डोर सप्लाई का जो नेटवर्क है, उनका जो सप्लाई का शेड्यूल है, जिस तरीके से वो सप्लाई करना चाहते हैं, जो वाहन उपयोग में लाना चाहते हैं और जो व्यक्ति उस काम को करेगा उसके बारे में जानकारी दे करके इस तरह की अनुमति प्राप्त कर सकता है। बस उन्हें कोशिश ये करनी है कि पैसे का ज़्यादा एक्सचेंज नहीं हो एक हाथ से दूसरे हाथ में। यथासंभव कोशिश ये हो कि जितने का पैसा का आप सामान ले रहे हो उतने ही पैसा आप दो, क्योंकि जितना अधिक हम एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे उतने संक्रमण के बढ़ने की संभावना रहेगी। जो सामग्री वितरित कर रहा है वो पूरी तरीके से सामग्री के पैकेट्स को सैनिटाइज करता रहे, अपना हाथ हमेशा साफ करता रहे, मास्क लगाए रखे, और जो जिस निर्धारित इलाके के लिए, जिसको जिस चिन्हित इलाके के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं वो उस चिन्हित इलाके में ही अपना काम करें। इस तरीके से हम सप्लाई नेटवर्क बनाने का लगातार कोशिश कर रहे हैं और जो भी लोगों की प्रतिक्रियाएं और सलाह मिल रही है उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन करने के लिए हम तैयार हैं।